नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नाना पटोले ने कहा, जल संकट पर गंभीर नहीं सरकार। उप राजधानी नागपुर वासियों की पानी कटौती वजह से चिंता बढ़ी है। इस मनपा के महाजल संकट को लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद नाना पटोले ने कहा कि महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि नागपुर वासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराए, लेकिन जल संकट की वजह से कई जगह दूषित पानी मिल रहा है। पटोले इन्होंने मनपा की नीति के विरोध में 22 जुलाई को मनपा कार्यालय पर मोर्चा निकालने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की जनसंख्या को देखते हुए पानी की आपूर्ति होना आवश्यक है, लेकिन मनपा द्वारा पानी की कटौती की जा रही है तो शेष पानी कहाँ जा रहा है और पानी की चोरी कौन कर रहा है, यह सवाल खड़ा हो गया है। जनता पानी के लिए त्रस्त है, जबकि OCW द्वारा जलापूर्ति नहीं होने के बाद भी बिल भेजे जा रहे हैं। 24 घंटे जलापूर्ति पूरी तरह असफल साबित हुई है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे, विशाल मुत्तेमवार उपस्थित थे। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।